छोटी सी पूंछ ही कैंसर का कारण बनती है। शामगढ़ में पहला केस मिल चुका है, लेकिन लोग अभी भी समझदारी की बिल्कुल बातें नहीं कर रहे हैं। शामगढ़ की चंद होटलों और कुछ रेडी वाले ठेले वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, ना सैनिटाइज कर रहे हैं, ना दूरी बनाकर रख रहे हैं। जल्दी ही कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। देखिए पूरी खबर। कोरोना महामारी के चलते हम भारतीयों ने 2 माह का गृहवास भुगता है, देश के प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया है। अब आपको आत्मनिर्भर होना है, पर जिस देश में ज़्यादा समझदार लोग हैं वहाँ कुछ बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, छोटा सा फोड़ा या पुंसी एक घातक का कैंसर रूप ले सकता है। मास्क और सैनिटाइजर से कोरोना से लड़ा जा सकता है। अब देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि कोरोना के जाने का इंतज़ार किया जाए। जब हमने सब्जी वाले को मास्क लगाने की बोला तो वह थाने में ज्ञापन दे आए, और आज तक अधिकतम सब्जी वालों के चेहरे पर ना तो मास्क दिखाई देते हैं व ना ही सैनिटाइजर दिखाई देते हैं। इन्हीं की राह पर अब शामगढ़ के जाने माने प्रसिद्ध गोवर्धन कचौरी की दुकान पर भीड़ देखकर लगता है कि यही कचौरी हमें कोरोना से लड़ने में मदद करेगी। वही अगर मिला चाट वाले को देखे तो उसकी चाट के पानी में वह तत्व मिला रहा है जो विदेशी वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। यह लोग ना तो खुद मास्क पहन रहे हैं, ना ही ग्राहकों को मास्क पहनने की दायत दे रहे हैं। ऐसा लगता है होटल सब्जी वाले खतरे के खिलाड़ी हैं, और यही छोटी पुंसी एक दिन विकट कैंसर का रूप लेकर हमारे नगर को बर्बाद कर देगी। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।